तो गाइस अगर आप सोच रहे हैं कि आपको एक टीवी लेना है और आप कंफ्यूज भी है कि स्मार्ट टीवी ले या एलसीडी टीवी ले, तो आज की वीडियो में दोस्तों आपको कुछ ऐसी बातें बताऊंगा जिसकी मदद से आपको इन टीवी को चयन करने में काफ़ी हेल्प मिलेगी, यानी कि कौन सा टीवी आपके लिए बेहतर रहेगा, किस टीवी को लेने से आपका ज़्यादा फ़ायदा होगा और किस टीवी को लेने से आपका नुकसान होगा। आज की वीडियो पूरी देखिएगा, डिटेल में बताऊंगा क्या क्या आपको फ़ायदा होने वाला है कौन सी टीवी को लेने से। तो गाइस वीडियो अभी से लाइक कर लीजिए, साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि यहाँ पर आपको ऐसा कंटेंट देखने को मिलता रहेगा। तो बात कर लेते हैं दोस्तों एलईडी टीवी और एलसीडी टीवी में अंतर क्या होता है। दोनों दोस्तों एक फ्लैट स्क्रीन टीवी होते हैं, लेकिन दोस्तों दोनों टीवीओं में कुछ फ़र्क भी होता है। क्या क्या फ़र्क होता है मैं आपको बता देता हूँ। एलईडी टीवी में दोस्तों एलईडी इमिटिंग डायोड्स का इस्तेमाल होता है, यानी ब्लैक लाइट्स का इस्तेमाल होता है, जबकि एलसीडी टीवी में CCFL यानी कि कोल्ड कैथोड फ्लोरेसेंट लैंप का इस्तेमाल होता है। एलईडी टीवी में दोस्तों एलईडी ब्लैक लाइट्स की वजह से यह एलसीडी टीवी से बेहतर इमेज क्वालिटी और कलर एक्यूरेसी प्रोवाइड करता है। एलईडी टीवी की ब्राइटनेस और कॉन्ट्रास्ट रेटियो भी एलसीडी टीवी से बेहतर परफॉर्म करता है। एलईडी टीवी दोस्तों अक्सर स्लिम डिजाइन के साथ आपको मार्केट में उपलब्ध मिल जाते हैं, जबकि एलसीडी टीवी उससे थोड़े मोटे होते हैं, इसलिए लॉन्ग टर्म में दोस्तों एलईडी टीवी ज़्यादा कॉस्ट इफेक्टिव होती है। एलसीडी टीवी की तुलना में एलईडी टीवी काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है, यानी कि उसकी तुलना में ये ज़्यादा पॉपुलर इसलिए है दोस्तों क्योंकि ये स्मार्ट टीवी के रूप में भी आपको देखने को मिल जाती है, यानी कि अगर आप इसको अपने फ़ोन से कंट्रोल करना चाहें तो आप इसको अपने फ़ोन से भी कंट्रोल कर सकते हैं और अदरवाइज ये चीज़ें आपको एलसीडी टीवी में नहीं मिलती। यदि दोस्तों आपको एक नया टीवी खरीदना है और आप कंफ्यूज है एलईडी टीवी और एलसीडी में क्या बेहतर है आपके लिए, तो इस जानकारी के आधार पर दोस्तों आप अपने लिए एक बेहतर टीवी का चयन कर सकते हैं और आप एक बेहतर टीवी अपने लिए खरीद सकते हैं, यानी कि आपके बजट में आपको कौन सा टीवी ज़्यादा बेहतर मिलेगा। एलईडी टीवी की इमेज क्वालिटी और उसके बेहतरीन डिज़ाइन के साथ साथ ये आपको तो ये एनर्जी ऑब्जॉर्प्शन में भी काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा दिलाती है, यानी कि ये कम बिजली का उपयोग करके भी बेहतर परफॉर्मेंस देती है आपको। एलसीडी टीवी की तुलना में एलईडी टीवी आपको मैं अपनी तरफ से रिकमेंड करना चाहूँगा क्योंकि दोस्तों ये ज़्यादा बेहतर तरीके से आपको एंटरटेन करती हैं और इसके अंदर आपको ज़्यादा ऑप्शन मिल जाते हैं एंटरटेनिंग का, यानी कि दोस्तों एलसीडी टीवी में आपको कोई फीचर वगैरह नहीं मिलते हैं। एलसीडी टीवी की तुलना में एलईडी टीवी ज़्यादा उपयोगी है और रिकमेंडेड है। एलईडी टीवी अक्सर ज़्यादा महंगे होते हैं, लेकिन इनकी लॉन्ग टर्म एनर्जी सेविंग के कारण इनके कॉस्ट में भी इफेक्टिव हैं। दोस्तों इन सभी जानकारियों के आधार पर आप अपने लिए एक बेहतर और उपयोगी टीवी का चयन कर सकते हैं। मेरी तरफ से दोस्तों मैं आपको दो तरीके बताना चाहूँगा, आपको दो तरीके बताता हूँ कि कौन सा टीवी आपके लिए बेस्ट रहेगा। अगर वो बेस्ट नहीं भी है तो आप उसको बेस्ट कैसे बना सकते हैं, यानी कि दोस्तों आप उसको किस तरीके से बेहतर बना सकते हैं, इस बारे में बात करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं स्मार्ट टीवी यानी कि एलईडी टीवी। आपको स्मार्ट फीचर्स मिल जाते हैं, यानी कि आप अपने फ़ोन को कनेक्ट कर सकते हैं अपने टीवी के साथ, मिरर कास्ट कर सकते हैं, अमेजॉन प्राइम चला सकते हैं, यूट्यूब चला सकते हैं, यहाँ तक आप इसको इंटरनेट से भी कनेक्ट कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों इसकी कॉस्ट काफ़ी इफेक्टिव होती है, जिस कारण इसके जो रेट होते हैं काफ़ी ज़्यादा हाई होते हैं, 15 से 20 हज़ार रुपये इनकी कॉस्ट हो जाती है। वहीं बात करता हूँ मैं डम टीवी या एलसीडी टीवी की, तो एलसीडी टीवी में आपको इतना खर्चा नहीं करना पड़ता है। लेकिन दोस्तों अगर आप चाहते हैं इस टीवी को भी स्मार्ट बनाना तो दोस्तों आपको इसके लिए कुछ अलग से खरीदना भी पड़ सकता है, जैसे कि फायर स्टिक। फायर स्टिक दोस्तों आपके डम टीवी को एक स्मार्ट टीवी के रूप में कन्वर्ट कर देता है, यानी कि आप जो स्मार्ट टीवी में करना चाहते हैं वो फायर स्टिक की मदद से आप अपने टीवी में कर सकते हैं और ये आपके लिए बहुत बेहतर रहेगा। और दोस्तों ये आपको स्मार्ट टीवी की बदौलत कम प्राइस में भी पड़ जाता है और इससे आपको काफ़ी ज़्यादा फायदा हो जाता है। तो दोस्तों वीडियो अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करिए, साथ में चैनल को भी सब्सक्राइब करिए क्योंकि यहाँ पर आपको ऐसा कंटेंट मिलता रहेगा। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही।